तो यहाँ पे लगा देते हैं भाई, ये ना इन द मिडल, ऑलराइट समवेयर हियर, ओके ठीक है भाई। यहाँ पे अभी स्किल्ड वीजे काफी ओपन हो रहे हैं, तो अगर आप हेल्थ केयर सेंटर में जॉब लगाना चाहते हो अपनी, तो वर्क परमिट अभी है। परोटा खा आराम से अपना, ये देख सारे सोफे वगैरह दी। तभी भाई इसके वास्ते हमने स्पेशली ब्लैंकेट बिछा रखा ताकि रानी से गंदा नहीं करता सोफे ना। अरे ये भैया सारी बिन में घेरनी पड़ेगी बेटा। वो आ गया, तीन कूड़ा परोठा और साथ में चाय लगाओ ना, बस इसमें लगा के करारा सा कर दे थोड़ा सा। सवेर की डाइट संडे, क्योंकि आज गए नहीं है भाई जिम में, और चाय के साथ खाएंगे अपना। बेटा आपका किधर है खाना? नहीं नहीं नहीं, इससे नहीं खेलना ना, मम्मा भी तो मना करेगी, पापा ने मना कर दिया। थोड़ा सा दे दे बस, ठीक है। ओए राय ने अपने ऊपर घेर ली देना, तो अपने आप कर लेना साफ। चल हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अनदर व्लॉग, दिस इज सचिन, और भाई दिस इज छोटा सचिन। ना भाई ये बोलता है अपने कि मेरा नाम लिया करो छोटा सचिन ने बोला करो। और यहाँ पे वेदर भाई ऐसे रहा हमेशा, ना बारिश होगी या फिर हवा चलती रहेगी, बहुत कम निकलती है भाई धूप। बनाओ बेटा इसमें डालो, देखो बेटा ऐसे थोड़ी ना रखनी है, इसमें डालनी है। चलो भाई आयरलैंड से रिलेटेड आपको देनी है हल्की सी इन्फॉर्मेशन, क्या है कि भाई यहाँ पे आयरलैंड में अराउंड 1000 बंदों की जरूरत है। किस सेक्टर में हुआ है भाई? अपना हेल्थ सेक्टर में, जो भाई जो केयरिंग वगैरह के सेक्टर है, हॉस्पिटल के सेक्टर है, तो उनमें 1000 नॉन ईयू को वो वर्क परमिट देने वाले हैं। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको एक तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, दूसरा भाई आपको 27,000 यूरो सैलरी मिलनी चाहिए जो आपको वर्क परमिट इशू करा रहा है। तो नॉन ईयू जिसमें आ जाता है भाई अपना इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश या फिर कोई भी ईयू से जो अलग कंट्री है, तो जो कि 2023 से शुरू होने वाला है अगले साल से, तो जिनको भी जैसे एक्सपीरियंस है हेल्थ सेक्टर में तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आयरलैंड के लिए बड़ा अच्छा मौका है भाई, तो मोस्ट वेलकम और बेस्ट विशेस। बेटा क्या कर रहा है, सफाई कर दे, ऊपर से ठहरेगा नीचे घेर दे, फिर नीचे तो कौन साफ करेगा? चल नीचे तो सफाई कर, इतना ना सोचा। बेटा 2.5 साल दे भी ऊपर हो गया, ये तो कोई लैंग्वेज नहीं है रायन। ना भाई 2.5 साल तो ऊपर हो गया, अब तक बोलना नहीं सीख रहा बेटा। कोको मेलन देख कर तू सीख जंदा, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है, ना उर्दू है, ना पंजाबी है। तो दूसरा भाई काफी व्यूअर्स का ना ये क्वेश्चन हुआ कि आयरलैंड में जैसे ना आपकी सैलरी कितनी यहाँ पे एनफ होती है, कि अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, अगर आपको 1000 मिल रहा है, 2000 मिल रहा है, वीक का मिल रहा है, मंथ का मिल रहा है, तो कितना एनफ हो जाता है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए? तो देखो भाई यहाँ पे आयरलैंड में अगर आपको मिल रही है मंथली, तो उसमें मैं आपको बोलूंगा आपको रेंट निकालना है पहले। तो रेंट आपको कितने का मिल रहा है? आपको घर मिल रहा है, फिर आपको कंपनी ही ऑलरेडी दे रही है, तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई 200 यूरो एनएफ होते हैं आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वीक के मैं बता रहा हूँ भाई। आफ्टर रेंट के बाद इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, जैसे आपने मेरी वीडियोस देखी हुई है, ग्रोसरी का आप एक्सपेंस करोगे 100 यूरो के करीब, उसके बाद दूसरे एक्सपेंसेस लगा लो, सर्वाइव करना है 200 यूरो इज एनफ। तो डिपेंड है कि आप कितना खर्चा करना चाह रहे हो, तो कितना अपने सेविंग करना चाह रहे हो, तो 200 से 400 यूरो अगर आप वीक का आफ्टर रेंट बचा रहे हो तो इस एनफ। इंक्लूडिंग रेंट भाई थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस काफ़ी हैं अगर आप रेंट पे घर ले रहे हो, क्योंकि रेंट पे एक तो घर नहीं मिलेगा तो भाई बड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा। रेंट यहाँ पे 1800 से 2000 यूरो, दो बेडरूम अपार्टमेंट गई बहुत ज़्यादा हो गया भाई ना, क्योंकि यहाँ पे काम ठीक ठाक है लेकिन एक्सपेंसेस भी काफ़ी हो गए हैं। लेकिन क्या है कि ना भाई आपको ना गवर्नमेंट यहाँ पे बेबी का आपका एक्सपेंसेस कवर करती है, जिसमें आपका डॉक्टर एक्सपेंसेस हो गया, जो भी बच्चा अगर इन केस बीमार होता है तो वो यहाँ पे फ्री इलाज होता है इनका। और साथ में क्या है कि भाई 140 यूरो गवर्नमेंट भाई इनको ना देखो इनको पे करती है गवर्नमेंट, 140 यूरो दिहाड़ी मिलती है, इनका भी काम लगा हुआ है, मंथली मिलता है इनको। हाँ बेटा कुछ भी समझ में नहीं आया बेटो, कुछ भी। तो भाई 140 यूरो एनफ होता है अगर बच्चे के साथ इनका जो एक्सपेंस होता है 140 यूरो में सर जाता है 4 वीक का। तो लेकिन भाई यही जो अमाउंट होता है 10-15 साल के बाद जब ये बड़ो हो जाएगा तब ये पूछते हैं भाई पापा वेयर इज माई मनी, कि भाई जो गवर्नमेंट उनको पैसा दे रहा है वो कहाँ पे गया है, तो ये अपना रोब मारते हैं। तो ये है कि भाई गवर्नमेंट ही इनको पे करती है, गवर्नमेंट इनका पे कर रही है, तो भाई ये इनको पता है कि पापा नहीं पैसे दे रहे हैं इनके दूध के लिए,
उनको गवर्नमेंट ही पैसे दे रही है। तो भाई वही है, 200-300 यूरो अगर आप बेच के आपको बचा सकते हो तो वो एनफ होता है आफ्टर योर रेंट। तो भाई उसके बाद हमारा जो एक्सपेंस हो जाता है भाई ट्रांसपोर्ट का, और लास्ट की वीडियो अगर आपने देखी है भाई उसमें बताया मैंने कि ना कैसे यहाँ पे गाड़ी बाय करते हो और क्या यहाँ पे गाड़ी बाय करने के बाद आपके एक्सपेंसेस जो आते हैं उसके जो मेंटेनेंस वगैरह का एक्सपेंस होगा कितना एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे गाड़ी लेना बेटर है या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हो वो बेटर होता है, लास्ट की वीडियो में भाई आपको एक्सप्लेन करा। शाम के भाई 3:30 हुए हैं और बिल्कुल बाहर जैसे ना रात हो गई है, तो आज भाई शॉप पे जाना है और उसके आस में भाई हमने हेयर कट भी कराना है आज ना। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस क्या होते हैं भाई, रेंट हो गया जो मैंने बोला है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी होता है, गैस होता है, उसके बाद गाड़ी ली है भाई गाड़ी का भी एक्सपेंस हो जाता है उसका। भाई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया, अब चलते हैं तैयार हो गई सीधा शॉप पे, और शॉप पे भाई होपफुली जो बार्बर शॉप है वो ओपन हुई है अपने बिल्कुल साथ में है भाई जहाँ पे अपनी दुकान है, तो फिर वहां से भी बाल भी कटा लेंगे, अदरवाइज भाई शॉप पे डेकोरेशन करनी है आज क्रिसमस डेकोरेशन। बाहर का मौसम आज हो रहा है ठंड सी हो रही इस टाइम और हवा चल रही है, चलिए फिर खैर बारिश अभी बंद हो गया। और सामने भाई लड़िया लगा रखी है उन्होंने ना दिवाली वाली अपने क्रिसमस की होगी डेकोरेशन कर रखी है गौरों ने, एंड साइड है भाई अपना टेस्को इन्होंने भी देखो काफी अच्छी डेकोरेशन करी है, मोस्टली भाई सब ने डेकोरेशन करी है यहाँ पे क्रिसमस की। तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी सुखी भाई घर पे और वहां से हमने डेकोरेशन के लिए जो अपना शॉप पे करनी है उन्होंने अपना बाय करे हुए हैं, तो उनके घर से लेके तो फिर चलेंगे अपने दुकान पे, उन्होंने देखे भाई कितनी अच्छी लड़िया लगा रखी है। चल ठीक है ओके, तो लो भाई इसमें डेकोरेशन का सारा सामान है क्रिसमस के, इसको लगाएंगे अपनी शॉप पे और चलिए फिर अपना सीधा। और ये भाई खड़ी हुई है ना ट्रॉली सी, ये खड़ी है देखो, इसमें क्या होता है कि ना जैसे किसी घर पे काम चल रहा है तो ये अपने यहाँ पे लगा देते हैं, तो इसमें अपना सारा जो वेस्टेज है वो डाल दे अपना। तो भाई टाइम भी वही 4:30 होने वाले हैं और 5 बजे जो बार्बर शॉप है भाई वो बंद हो जाती है जो मैंने पता करा, तो होपफुली उससे पहले पहुंच जाएंगे, जो नहीं पहुंचेगा भाई कल बाल कटा लेंगे। भाई घर दोबारा से वापस आना पड़ेगा क्या कि भाई फोन भूल गया जल्दी जल्दी में, तो भाई बाहर से लेट हो गया मेरे को लगता है आज बाल कटेंगे भाई ना टाइम पे। इस टाइम अंधेरा देखो बाहर कितना हो गया, और 4:45 हो गए भाई, 4:41 हो गया और रात हो गई है बिल्कुल। तो भाई सर्दी के टाइम में दिन बिल्कुल छोटे हुआ यहाँ पे यूरोप में, और गर्मी के टाइम पे वही 11-11 बजे तक जैसे धूप निकलते रहे हैं, अगर आपने वीडियोस देखी हुई है तो भाई दुकान पे पहुँचने वाले हैं बस 10 मिनट लगेंगे यहाँ से पूरे। और लो भाई पार्किंग मिल गई अपना शॉप के सामने, वो राइट हैंड साइड रही भैया येलो कलर का जो बोर्ड लगा हुआ है अपनी दुकान। What's up, bro? Something, bro, here for you. That's for you guys. You can wear that. Yeah, here like that. See? Yes, I'm not from India. Beautiful. I'm not from India. Yeah, we have decorations here, Peter. Yes, in marriage. Bhai, ye bol raha hai ki na ye marriage mein. Yeah, in marriage we use that. Shaadi mein bhai aisi mala use kara na. You know what to do, bro. Ye lo bhai. Okay, I'm coming after haircut, bro. Thank you. Chalo bhai. लो भाई यहीं से कराते हैं अपना हेयर कट, देखो ये अपनी शॉप है और ये हेयर कट। ये लगा रखे उन्होंने बाहर अपना एक्सपीरियंस बार्बर नीड, तो वैसे लगा देते हैं भाई अगर किसी को जरूरत होती है किसी स्टाफ की, और दिखाते हैं भाई हेयर कट कैसा हुआ है। हाउ इज दैट? वाह वल्ला। हाउ इज दैट पीटर? डेकोरेशन लगानी है बाहर लगा देंगे यहाँ पे, इसको लगाने के बाद चलते हैं अपने घर पे ही, और बाल को ठीक कटे हैं इनको अच्छे लगे, अपना स्टाफ को कह रहे हैं बड़े सही कटे हैं कहाँ से कटाए हैं। वेयर पीटर समय हेयर, तो यहाँ पे लगा देते हैं भाई ये ना, इन द मिडल समय हेयर ओके ठीक है भाई हेयर। Alright, इसको थोड़ा सा पुश करके इसके पीछे का जो कवर है ये निकाल देना, होपफुली ये चिपक जाए इसमें, बाहर से देखते हैं कैसा लग रहा है भाई। हाँ नहीं ठीक है, yeah, that's fine, yeah, like that. डेकोरेशन तो लगा लेंगे लेकिन बाबा जी का मुंह नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा ये ना। yeah, that's it, bro. Looks okay here. Yeah, there is okay. ठीक है वहीं पे ही है। You guys. तो लो भाई बारिश हो रही है बाहर और ये लग रहा है अपना भाई साहब सेंटा ही सेंटा ही, डेकोरेशन कर दिया हल्की फुल्की, चलिए अपना सीधा घर जाके नहाइए दोबारा से। और भाई पूरे पूरे टाइम पर पहुंचे था आज बार बार की शॉप भी उसी टाइम बस क्लोज होने वाली थी। तो भाई अब चलते हैं सीधा घर और घर पे जाके नहा धो लेंगे, और साथ में क्या है कि भाई जो यहाँ पे बार बार आए कितने यहाँ पे चार्ज करते हैं वो करते हैं भाई
20 euro at least 17-20 euro. लेकिन अपर भाई बिल्कुल पड़ोसी में है तो क्या है कि भाई हम भी उसको लुक आफ्टर कर देता है, वो भी हमको लुक आफ्टर कर देता है. और अभी चल रही है भाई जैसे क्रिसमस, और अगर आप इस टाइम आते हो ना जैसे नवंबर दिसंबर में, तो यहाँ पे क्या है कि भाई इस टाइम जॉब्स आपको इजिली मिल जाती है. ड्राइवर की जॉब देख रहे हो, फिर जैसे पिज्जा शॉप वगैरह में जॉब देख रहे हो, क्योंकि इस टाइम स्टाफ की कमी तो नहीं, मैं कहूँगा इस टाइम क्या होता है कि भाई काम ज्यादा बिजी हो जाता है. तो हम क्या करते हैं कि भाई 3-4 महीने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ रख लेते हैं, एक दो स्टाफ एक्स्ट्रा रख लेते हैं, ताकि भाई हमको भी दिक्कत ना हो, और जो किसी स्टाफ को इमरजेंसी में छुट्टी लेनी पड़ जाए तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टाफ रहता है. तो अगर आप आ रहे हो या फिर आ चुके हो, आपको पता ही होना इस चीज का. और यहाँ पे क्या भाई 10 यूरो 50 सेंट अब तक मिल रहा है इस साल में आपको पर आवर, लेकिन जनवरी से जो उन्होंने रूल निकाला हुआ अभी 11 यूरो 30 सेंट आपको पे करेंगे पर आवर का. तो अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आ रहे हो तो भाई क्या होता है कि आपको इलीगली यहाँ पे काम बहुत कम मिलेगा, मिलेगा तो भाई आपको बहुत कम पैसे मिलेंगे, मिनिमम रेट आपको नहीं मिलेगा. और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ना यहाँ पे अभी स्किल्ड वीजे काफी ओपन हो रहे हैं, तो अगर आप हेल्थ केयर सेंटर में जॉब लगाना चाहते हो अपनी, तो वर्क परमिट अभी यहाँ पे गवर्नमेंट इशू कर रही है, 1000 वर्क परमिट इशू करेगी, तो जो कि नॉन ईयू यानी कि अपनी कंट्रीज वगैरह से काफी बंदे आने वाले हैं. फाइनली गाइस ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, आई होप यू एंजॉय द व्लॉग. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो. तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वॉक के साथ, टिल देन टेक केयर. और हाँ, हेयर कट भाई कैसा लग रहा है? मेरे को तो ठीक ठाक ही लग रहा है, ज़्यादा छोटे कर दिया भाई इसने ना, बट एनीवे घर की खेती है, 3-4 दिन में फिर उगने शुरू हो जाएंगे भाई ना.